हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलर्नम। एक बार फिर स्वागत है आपका इलर्नम पे। होप कि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की, पीएचडी एडमिशन के बारे में, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जेआरएफ क्लियर नहीं है। तो इस पीएचडी एडमिशन में जेआरएफ की कोई नीड नहीं है, जेआरएफ भी एलिजिबल है और नॉन जेआरएफ भी एलिजिबल है। तो ये पीएचडी पोजिशन है एम्स भोपाल में। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इन्होंने कैटेगरी ए रखा है नॉन जेआरएफ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जो नॉन जेआरएफ उनकी फेलोशिप जो है प्रोजेक्ट के थ्रू आएगी। और कैटेगरी बी में जेआरएफ स्टूडेंट्स आएंगे, वो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। कैटेगरी ए स्टूडेंट्स को रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी बी, वो जो जेआरएफ होंगे वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो लास्ट डेट है 22 जून है, काफी नजदीक है, तो भर लीजिएगा। और इसमें कहीं आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपको जो इसमें इस प्रोस्पेक्टस के अंदर नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं भी दिखा दूंगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके साथ ही साथ डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपीज का उसको अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, या फिर कोई भोपाल में रहता है तो आप डायरेक्टली हैंड ओवर कर सकते हैं, बाय हैंड उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्टली स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ। और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन फीस है जनरल एंड ओबीसी, जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो 1000 है। ठीक है, और बाकी एससी एसटी वुमेन और पीडब्ल्यू कैंडिडेट, इनके लिए कोई फीस नहीं है, इनको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट अटैच नहीं करना है। ठीक है, और जो इसकी एलिजिबिलिटी है एमएससी लाइफ साइंस और साथ ही साथ बीटेक, एमएससी बीटेक और साथ ही साथ एम फार्मा, ये तीनों ब्रांच पीएचडी एम्स भोपाल के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस से अलाइड फील्ड्स लाइक जूलॉजी बॉटनी से अगर आपने एमएससी कर रखा है, साथ ही साथ 55% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जो जेआरएफ होंगे कैटेगरी बी के लिए एलिजिबल है, वो कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देंगे, और साथ ही साथ जो नॉन जेआरएफ हो कैटेगरी ए में आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, क्या क्वालिफिकेशन परसेंटेज होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कैटेगरी स्टूडेंट्स के क्या उनका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे जो मोड होगा, मोड ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मींस आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको एम्स भोपाल के सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां से एग्जाम देना होगा। ठीक है, और सबसे जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का होगा। एग्जामिनेशन डेट, ये सिर्फ कैटेगरी बी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, सॉरी कैटेगरी ए स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जिनको रिटर्न में अपेयर होना है। तो एग्जामिनेशन डेट 26 जून होगा। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू, जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू का डेट अभी इन्होंने नहीं बताया, इंटरव्यू का डेट वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 10 से 12 होगा, आपको 9 बजे वहां रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेज 2, जब रिटर्न आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद इंटरव्यू जाएंगे, जो इंटरव्यू होगा 11 बजे से होगा। डेट ये लोग अभी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे, अभी इन्होंने वेबसाइट डिस्प्ले नहीं किया है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर तो एम्स भोपाल, ऑफलाइन एग्जाम होगा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो स्टेज 1 में जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसमें 80 क्वेश्चन होंगे, तो एमसीक्यू टाइप का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसमें टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको 2 आवर्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका क्लिनिकल प्रैक्टिकल लेस बेस्ड असेसमेंट के बेसिस पे होगा। जो रिटर्न एग्जामिनेशन उसका टोटल नंबर 80 है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाई कर जाएंगे तो जब इंटरव्यू जाएंगे, इंटरव्यू का मार्क्स 20 है, 80 + 20, तो टोटल 100 मार्क्स का रिटर्न प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे आप क्वालिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट बता दे, टोटल मार्क्स 100 और कट ऑफ 50%, जो रिटर्न में कट ऑफ है 50%, लाइक आपको अगर आप 40 मार्क्स स्कोर करते हैं तब आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको 40 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैटेगरी बी स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या है। तो जैसे कि बताया, कैटेगरी बी स्टूडेंट्स डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, उन्हें कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, और जो डेट होगा वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट
टाइमिंग, 9 बजे आपको वहां रिपोर्ट करना है, अभी डेट जो बताया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी एम्स भोपाल, लाइक आप कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, आपको डायरेक्टली एम्स भोपाल ही जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। टोटल मार्क्स 100, तो कैटेगरी बी का सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, उनका टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है। मेट ऑफ कट ऑफ 50%, ठीक है। अगर आप 50% में 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करते हैं तब आप एलिजिबल हो जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। और रिजॉल्विंग केस, अगर किसी दो स्टूडेंट्स का मार्क्स इक्वल आता है, लाइक दो स्टूडेंट्स का मार्क्स 51-51 आता है, लेकिन एक 24 साल का है और एक 26 साल का है, तो ओल्डर वन को प्रिफर किया जाएगा, इन केस एग्जाम नंबर टाई होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एग्जामिनेशन कैसे, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैटेगरी ए स्टूडेंट्स और कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं और डिटेल्स के आगे, अब बात कर लेते हैं सी डिटेल्स। तो जैसे बताया गया कैटेगरी है, फेलोशिप जो आपको प्रोजेक्ट के लिए मिलेगी, मिनिमम ये 12 मंथ के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी मिलेगी, उसके 12 मंथ के बाद आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से इस फेलोशिप के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू भी ना हो, कंटिन्यू होगा भी तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन ये इंश्योर करेंगे कि आपको एक साल की स्टाइपेंड जरूर मिलेगी, ठीक है। तो इस कैटेगरी में प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, किस प्रोजेक्ट में कैटेगरी ए के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। टोटल 15 प्रोजेक्ट्स है, हर प्रोजेक्ट में एक एक सीट है, तो कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए टोटल 5 सीट्स कितनी हो गई, 15। तो कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 15 है, और जो स्टाइपेंड अमाउंट भी है वहां पे दिया गया है, हर प्रोजेक्ट का कितना कितना स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा, लाइक 31-35 ऑलमोस्ट जो नॉर्मल जीआरएफ होता है उसके इक्वल है, साथ ही साथ किसी में 20 है किसी में 70 भी है। उसके बाद बात आते हैं कैटेगरी बी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग 18 डिपार्टमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एनाटॉमी, एनेस्थियो, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी, उनके डिपार्टमेंट कोड यहां दिए गए हैं। इस कोड को आपको ध्यान रखना होगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इस कोड की नीड पड़ेगी। जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स मैक्सिमम इन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैक्सिमम 5 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, लाइक मान लीजिए आपको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इसका पहले आप इसको फिल कर दीजिएगा, देन माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस हिसाब से आप 5 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना, तो उनके पीएचडी का टॉपिक अपने से आप चूज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जो मेरिट लिस्ट होगी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के सेपरेटली होगी, तो ये कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि उन्हें कैटेगरी बी से नहीं जोड़ा जाएगा, लाइक प्रेफरेंस कैटेगरी बी के लिए नहीं होगा, दोनों कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स है वही प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के पास फ्रीडम होगी कि वो अपने पीएचडी का टॉपिक खुद से चुन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है प्रोस्पेक्टस के लास्ट में उसको फिल करना है, और स्पीड पोस्ट से 22 जून 5 PM तक भेजना है इस एड्रेस पे, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है फॉर्म और डिमांड ड्राफ्ट। तो जो डिमांड ड्राफ्ट है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जैसे पहला मैंने बताया था वो 1000 रुपीज का बनेगा। जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनके लिए फ्री है। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो डायरेक्टर एम्स भोपाल के फेवर में बनेगा और पेएबल एट भोपाल होगा, ठीक है। और फीस एक बार पे होने के बाद वापस नहीं की जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो फिर से बता दूं, जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे उनके लिए 1000 फीस होगी। फीस कैटेगरी ए या कैटेगरी बी स्टूडेंट्स दोनों के सेम है, वो अलग अलग नहीं किया गया है, और जो एससी एसटी इनके लिए कोई फ्री है, उनके लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं अटैच करना है, आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है। अब बहुत अब इंपॉर्टेंट बात आती है एलिजिबिलिटी। तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो जैसे पहले बताया जो एमएससी अगर आपने लाइफ साइंस में किया है किसी भी लाइफ साइंस लाइक जियोलॉजी बॉटनी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एमएससी बी फार्मा और एमटेक सॉरी बीटेक भी इसके लिए एलिजिबल है, और कोई मेडिकल नर्सिंग क्वालिफिकेशन भी इसके एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री किसी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और मास्टर 55% चाहिए होगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी है एमएससी बीटेक एम फार्मा लाइफ साइंस रिलेटेड कोई भी फील्ड विद मिनिमम 55%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या सिलेबस होगा।
तो जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स उनको रिटर्न में बैठना है, तो रिटर्न का क्या सिलेबस होगा, तो रिटर्न में आपके जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो आप देख सकते हैं मोस्ट सिमिलर टू आईसीएमआर सिलेबस के, तो आईसीएमआर के लिए आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए साथ साथ आपकी इसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी कि जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आईसीएमआर के साथ मेल खा रहा है। ठीक है, मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे प्लस 1। ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा मार्क कर दिया तो उसको रॉन्ग आंसर की ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये अच्छी बात है, आप कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप चाहे 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज 1 और इंटरव्यू, इन दोनों को मिला के ही मेरी लिस्ट बनेगी, कैटेगरी ए स्टूडेंट्स के लिए रिटर्न प्लस इंटरव्यू, कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स। तो सिलेबस इन्होंने सिलेबस भी बता दिया है और इंटरव्यू का भी सिलेबस बताया है और रिटर्न का भी सिलेबस बताया है। ठीक है, और बाकी चीजें तो लाइक जो पीएचडी के रूल्स हैं, लाइक अगर जब आप पीएचडी के सिलेक्ट हैं तब आपके लिए जरूरी है, लाइक फीस क्या होगा, क्या लीव रूल्स होगा ड्यूरिंग पीएचडी वगैरह वगैरह, तो अभी नेसेसरी नहीं है वो सब। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो लाइक ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, एडवर्टीजमेंट नंबर वो फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, डेट आपको फोटो अटैच करनी है, किस एप्लीकेशन में किस एप्लीकेशन के लिए आप कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे, लाइक कैटेगरी ए कैटेगरी बी। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, क्या कौन सा कोड होगा, तो जो ध्यान रखिए जो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स का कोड अलग है जो प्रोजेक्ट के साथ दिया गया है, और कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स के लिए ये कोड डिपार्टमेंट कोड अलग है जो नीचे ठीक उसके नीचे दिया गया है। ठीक है, तो कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स आप जो जिस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसके डिपार्टमेंट कोड भरेंगे, और उसके नीचे कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोड है, तो आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसको आप वहां भरेंगे। तो कैटेगरी ए जिस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भरिएगा, और कैटेगरी बी के स्टूडेंट जिस आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भरिएगा। ठीक है, और बाकी चीजें सेम, लाइक आपको एड्रेस अटैच करना है अपने प्रोफेशनल एप्लीकेशन, एजुकेशनल रिसर्च पब्लिकेशन अगर कोई है प्रोजेक्ट वगैरह, तो इस पूरे फॉर्म को फिल करके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 1000 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगा के इस फूड पोस्ट कर दीजिएगा, और एससी एसटी कैंडिडेट्स विदाउट डिमांड, उनके लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट की नीड नहीं है, तो विदाउट डिमांड ड्राफ्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेज दीजिएगा। याद रखिएगा लास्ट डेट 22 जून है, 22 जून लास्ट डेट है, और एग्जामिनेशन 26 जून को होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक चेकलिस्ट ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे एक चेकलिस्ट है। ठीक है, तो इस चेकलिस्ट को आपको फिल करके इसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होंगे वो आपको अटैच करने पड़ेंगे, लाइक एप्लीकेशन फी जो डीडी आपने इंक्लोज किया कि नहीं, देन उसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट ऐसा डेट ऑफ बर्थ, और 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यूजी पीजी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर आपने इंटर्नशिप कोई किया उसके लगा दीजिएगा। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी इन अगर जो कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, फेलोशिप अप्रूवल लेटर, तो इसमें जो कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स है जो जेआरएफ के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनको फेलोशिप अप्रूवल लेटर भी लगाना है, एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ भी लगाना है। ठीक है, और बाकी जो चीजें ये हैं एमडी एमसीआई रजिस्ट्रेशन, ये सब नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी नहीं है, तो जो अगर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 6-7 पॉइंट नेसेसरी नहीं है, तो आपके लिए क्या क्या नेसेसरी है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर किया है आपने लगा दीजिएगा, 0.8 जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, देन 0.9 जो कैटेगरी बी स्टूडेंट्स जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे, 0.10 और कोई अगर आपको कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो भी अटैच कर दीजिएगा, देन साइन नेम। तो क्या क्या आपको अटैच करना है ध्यान रखिएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है, देन चेकलिस्ट का पेज अटैच करना है, देन चेकलिस्ट के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी वो सारे अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, और एक कंफ्यूजन हो सकता है जो जेआरएफ होंगे, लाइक कि कुछ प्रोडक्ट्स में फेलोशिप की अमाउंट जेआरएफ से ज्यादा है,
तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है कि फेलोशिप आपको सिर्फ 12 मंथ्स के लिए मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद जो प्रोग्रेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि फेलोशिप मिलेगी कि नहीं। साथ ही साथ आपके पास फ्रीडम नहीं रहेगी प्रोजेक्ट चूज करने की। तो ऑन अ सेफ साइड आप कैटेगरी बी के थ्रू ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।